नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। रामनवमी के दौरान बिहार के दो जिलों में भड़की हिंसा के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इफ्तार पार्टी में शामिल होना कोई राजनीतिक इशारा बता रहा है। बिहार शरीफ और सासाराम में हालात अभी पूरे तरीके से संभले भी नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री के इफ्तार पार्टी में जाने से बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसके बाद बीजेपी ने नीतीश पर जुबानी अटैक शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। रामनवमी के बाद एक तरफ बिहार के दो इलाके हिंसा की आग में झुलस गए, जमकर हंगामा देखने को मिला। स्थिति ये हो गई कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया, जिसके बाद बिहार शरीफ और सासाराम में चौथे दिन स्थिति कुछ सामान्य हुई है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक कदम को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने उन पर जुबानी अटैक शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पर फेवरेटिज्म वाली राजनीति के आरोप लगे हैं। विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार इस बात का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समुदाय विशेष के लिए लगातार कुछ ज्यादा ही प्रेम दिखा रहे हैं। इसकी एक तस्वीर माहे रमजान के इफ्तार पार्टी के दौरान भी नजर आई। फेवरेटिज्म वाली राजनीति करने का आरोप बीजेपी के पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने लगाया। उन्होंने कहा कि 80% लोगों के लिए 20% शब्दों में बधाई देते हैं और 20% लोगों के लिए सैकड़ों शब्दों में शुभकामनाएं संदेश देते हैं। बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया। वहीं बीजेपी के अन्य विधायक भी सीएम नीतीश कुमार पर फेवरेटिज्म और तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों के बीच नीतीश कुमार की फुलवारी शरीफ में इफ्तार पार्टी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल फुलवारी शरीफ में इस्लामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। यह पार्टी जेडीयू नेता खालिद अनवर की ओर से दी गई थी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। जेडीयू नेता ने राजधानी पटना में जगह जगह इस आमंत्रण के लिए पोस्टर भी लगवाए। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर की तरफ से इफ्तार पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाया गया था। वहीं इस इफ्तार पार्टी का बैकग्राउंड चर्चा का विषय बन गया है। बैकग्राउंड में लाल किले की तस्वीर थी और ऐसे ही लाल किले की तस्वीर के साथ खालिद अनवर ने राजधानी पटना के दर्जनों चौराहों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर लगवाए। इस पोस्टर में उन्होंने देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। इस पोस्टर पर संदेश भी लिखा था, हम बिहार वाले हर कदम पर आपके साथ हैं। रामनवमी के बाद एक तरफ बिहार के दो इलाकों में हिंसा से आग झुलस रही है, जमकर हंगामे देखने को मिल रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक कदम को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने उन पर जुबानी अटैक करना शुरू कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री पर फेवरेटिज्म वाली राजनीति के आरोप लग रहे हैं, तो बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समुदाय विशेष के लिए लगातार कुछ ज्यादा ही प्रेम दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, मैं लौटूंगी बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।